सरल आदमी से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। दो देवियां, एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला, परम सरल, दही बेचती थी, मक्खन दही अपने गांव से आए, जमुना पार करके वृंदावन में बेचे, लौटकर चली जाए। सिर धरे मटुकिया दो ले, सिर धरे मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले, तेरा धरे मटुकिया डोले, तेरे धरे मटुकिया डोले रे, मटुकिया डोले रे, तेरे धरे मटुकिया डोले, तेरे धरे मटुकिया डोले रे, 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 कोई श्याम मनोहर इज, कोई श्याम मनोहर डोले, इज कोई श्याम मनोहर डोले, दही को नाम बिसर गई गोपी, सज को नाम बिसर गई वालिन, हरी लो बोले रे, हरी लो बोले रे, कोई श्याम मनोहर, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले, कोई श्याम मनोहर डोले। भगवान के भाव में डूबी हुई ये गोपियां मक्खन बेचकर लौटती, दही बेचकर लौटती, और दोनों बहनें जमुना किनारे घर से लाई हुई बासी दाल रोटी का जलपान करती। आज दोनों बहनों में चर्चा चली। चंचला से चंपा ने पूछा, भगवान होते हैं? चंचला बोली, होते तो हैं, तुमने देखे? देखे नहीं, पर कहां होते हैं? बोलो, अगर यही चर्चा किन्हीं पढ़े लिखों के बीच में हो जाती तो एक दर्शन तैयार हो जाता, पर बिना पढ़े लिखे कितनी सरलता से, भगवान होते कहां होते? साधुओं के पास, वो जिनकी निकाल कर वो सवेरे सवेरे पूजा करते, वही तो होते हैं। चंपा के आंखों में आंसू आ गए, कभी संत मिले तो भगवान मिले, मिलेंगे। तब तक संयोग से जमुना का किनारा एक वैष्णव साधु झोली टांगे राम राम सीता राम करते हुए आए, जो देखा सो चंपा बोली, महात्मा तो आ गए और झोली भी, तो कौन अपने को भगवान दिखाने आए हैं? लेकिन आज संत मिले हैं, कभी भगवंत मिलेंगे। पर महात्मा ने झोली रखी, सामान उन्हें जाना था, शौच के लिए गमछा लपेटा और कमंडल में जल लिया, चले गए। चंपा बोली, झोली तो यहीं रखी, देख लो भगवान इसी में होंगे। और बोले, कहीं महात्मा आ गए तो? बोले, मैं देखती रहूंगी, तुम चिंता मत करो। तो चंपा गई उधर को, वो आड़ में चले गए, उधर से निकलेंगे, दूर से आते दिखाई देंगे, मैं इशारा कर दूंगा। बोले, ठीक है। चंपा उधर चली गई, चंचला ने झोली खोली, अवसर शून्य सान पाए, देवी चंचल ने झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। अब महात्मा की झोली में सामान क्या मिले? गोपी चंदन, माला, गीता, रामायण, सब निकालती जाए निकाल, एक डिब्बा निकला और डिब्बे का ढक्कन खोला, आहा, ढक्कन में फूल रखे और गुलाबी रुमाल पर भगवान
बाल लड्डू, लड्डू गोपाल ऐसे बैठे, झोरी सो झपट रघुराज कौन निकारे हैं। और जो निकाला बाहर रुमाल बिछाया, भगवान अब आप डिब्बा से बाहर आ गए, अब खड़े हो जाओ। सो भगवान तो जैसे बने थे वैसे ही इधर लुढ़क जाए उधर लुढ़क जाए। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र द्रवित राजेश होए बचन उचारे हैं। अरे रे रे रे, भगवान के हाथ पांव बड़े टेढ़े हैं इसलिए सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र द्रवित राजेश होए वचन उचारे हैं। अरे डिब्बा माहि राखी राखी कोमल श्री राम जी के हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे। ये भगवान को डिब्बे में बंद रखता है तो क्या करूं, आंसू आ गए। मटकी से मक्खन निकाला, माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दोई कर दए सूधे अवध किशोर। अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई, चंचला ने प्रणाम किया, चंपा से कहा भगवान, उधर से फूल लेकर आई, चरणों में चढ़ाए, दर्शन किया, आज दोनों देवियां प्रसन्न, भगवान मिल गए। चंपा लौट कर गई, इतने में महात्मा आते दिखे। सो बोले बहन जल्दी कर बाबा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। सो उसने झटपट प्रणाम किया, भगवान को डिब्बा में बिठाया। सो बने नहीं, पहले तो टेढ़े थे छोटे से तो ढक्कन लग जाए, अब ढक्कन न लगे। सब भगवान से बोली अब आप बैठ जाओ। भगवान बोले बहुत दिन में खड़े हुए हैं, अब हम तो खड़े ही रहेंगे। अब वो सामान तो बाद में रखा, डब्बा लगाए तब तक महात्मा को, महात्मा ने जो फैला सामान देखा और ठाकुर। अब महात्मा का नियम सोच के बाद बोलते नहीं थे जब तक स्नान न कर ले। सो बड़ा क्रोध हो ऐसे, और डुबकी लगाई और जो देखा भगवान खड़े, चरणों में दंडवत किया। और वो और महात्मा का हाथ लगा, फिर टेढ़े हो गए भगवान। चंपा बोली देखा बहन, भगवान का हाथ लगते, हाथ लगते ही महात्मा का टेढ़े हो गए। भगवान ये अकेले में डांटता होगा, भगवान बहुत डरते हैं इससे। अब बोली क्या निगुरे तो है दया नहीं आई, संत से कहती निगुरे तो है दया नहीं आई, संत बनो घर घर में डोले जाने का पीर पर आई। और जाने कब सो या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई, और अंग अंग किए बक्र बावरे साधु बन्यो आतताई। और साधु को लगे कि दर्शन हो रहा, भगवान को रखा चले। वे तो आंसू बहाते दोनों देवियां अपने घर चली गई। महात्मा सोच रहे थे परपंच त्याग इते दिन वेश विराग विराग में कूदे भय, ग्रह को परपंच त्याग इते दिन वेश विराग में कूदे भय, तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय।